कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, कोई परिवार की तरह अनमोल नहीं होता। आदरणीय निर्णायक मंडल, उपस्थित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष संयुक्त परिवार संवेदना का आधार विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। संयुक्त परिवार हमारे समाज की एक मुख्य विशेषता रही है, जहाँ बच्चों को उनके सर्वांगीण विकास का मौका मिलता है और उनमें अच्छे संस्कार एवं गुण विकसित होते हैं। मान्यवर, संयुक्त परिवार प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं रीति रिवाजों का दर्पण है, जहाँ सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का निर्माण होता है। प्रत्येक मानव इन मूल्यों को आधार बनाकर लक्ष्य प्राप्त करता है। देश और विदेश में भारतीय संस्कृति की अगर जय जयकार हो रही है, तो इसका अधिकतम श्रेय संयुक्त परिवार को ही जाता है। संयुक्त परिवार का हर इंसान बुजुर्गों की सेवा करता है। संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार है जिसका बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम नहीं जाता। दोस्तों, वो संयुक्त परिवार ही है जहाँ कभी किसी को बोझ नहीं समझा जाता। परिवार के सभी सदस्यों में एकता एवं सहयोग की भावना होती है। मान्यवर, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास की बात कही है। अगर वह धरातल पर कहीं खरी उतरती है, तो हमारे संयुक्त परिवार में ही खरी उतरती है। संयुक्त परिवार को हमारे देश में आदर्श परिवार के रूप में देखा जाता है। हम गर्व महसूस करते हैं कि हमारे देश में अधिकतर मात्रा में संयुक्त परिवार का प्रचलन है। मित्रों, वर्तमान समय में शहरीकरण और औद्योगीकरण की तीव्रता से पारिवारिक संरचनाओं में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। आजकल की पीढ़ी एकल परिवार में रहना पसंद करती है, जिससे वे अच्छे संस्कारों और नैतिक मूल्यों से वंचित रह जाते हैं और